छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में आज दबंग ग्रुप के द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर संबंधित इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। नगर निगम क्षेत्र में हो रहे बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों को लेकर जमकर हो रही भ्रष्टाचार को भाजपा के पार्षद शिव वर्मा ने आयुक्त से चर्चा कर इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा है। पार्षद शिव वर्मा ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि हर गरीब आदमी का पक्का मकान हो, क्योंकि गरीब आदमी जीवन भर कमाता है और अपने बेटा बेटी के लिए पक्का मकान नहीं बना पाता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बड़ी सोच थी कि गरीब के पास पक्का मकान हो, जहाँ खाली जमीन या कच्चे मकान हो को पक्की मकान बनाकर दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास में घोर भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसे तत्काल बंद किया जाए। इंजीनियर और अधिकारियों के द्वारा गरीब आदमी को पैसे की डिमांड ना की जाए। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि हर गरीब का पक्का मकान हो, क्योंकि गरीब आदमी जीवन भर कमाता है पर अपने बेटा बेटी के लिए पक्का मकान बना नहीं पाता। पर इस देश के प्रधानमंत्री के बड़ा सोच था कि यार गरीब का पक्का मकान हो, यदि खाली जमीन तो उसे मकान बना दिया जाए, कच्चे मकान तो पक्के किए जाए। परंतु निगम में निगम प्रशासन को आज मजबूरी में हम सबको आना पड़ा, बताना पड़ा कि प्रधानमंत्री में जो भ्रष्टाचारी जो चल रहे हैं उस खेल को तत्काल बंद करे, गरीब आदमी को पैसे डिमांड ना करे, क्योंकि लगातार शिकायत में रहना। मैंने भी कई वार्डों में जब देखा गया तो वहाँ कई लोगों ने कहा कि भाई हमको तीसरा किस्त मिल चुका पर चौथा किस्त एक साल हो गया। भाई तीसरा किस्त मिल गया तो चौथा किस्त एक साल क्यों लगेगा? तो पता चला उसमें पैसे की डिमांड कर रहे हैं, काम चालू मकान बनाने चालू करने पहले पैसे मांग करते हैं, इसका भी शिकायत आया। जियो टेकिंग करने के बाद उसमें भी पैसे मांग करते हैं, जियो टेकिंग हो गया अब आपका पैसा अगर 5,000 मदद करूँ। ऐसे तमाम विषय हैं। कन्हारपुरी गया था मैं, कन्हारपुरी में देखा कि मार्च अप्रैल में कच्चे मकान को तोड़ा दिया उस आदमी ने, किराए में चले गए पर मकान उसका बनना चालू नहीं हुआ, बरसात चल रहा है। कितना तकलीफ है, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री सोच है उसके अनुरूप काम होना चाहिए, परंतु यहाँ पे निगम प्रशासन इस पर अंकुश लगाना चाहिए ऐसे इंजीनियर पर, ऐसे अधिकारी पर जो गलत तरीके से गरीबों से पैसे की मांग करते हैं। इसके लिए आज हमारे कुछ सदस्यों के द्वारा, दबंग ग्रुप के द्वारा निगम आयुक्त ज्ञापन चर्चा करना था, पर निगम आयुक्त किसी कारण से बाहर चले गए तो डिप्टी कमिश्नर से चर्चा हुआ। कमिश्नर ने कहा हम इसमें अतिशीघ्र निर्णय लेंगे और गलत व्यक्ति है जो पैसे गरीबों से मांग करते उस पर अंकुश लगाया जाएगा, ये अधिकारी ने हमको आश्वस्त किया। और मैं चाहूँगा कि कोई भी आदमी शहर के किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बनाता है तो किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पैसा ना दे। ये हम लोग का निवेदन उनसे कि हितग्राही ले दे के पैसा जोड़ के मकान बनाता है और ये बीच के जो पैसा जो मांग के वो गलत है, इस बात को लेकर चर्चा हुआ। शिव वर्मा पूर्व निगम अध्यक्ष राजनांदगांव नगर निगम, उन्होंने एक ज्ञापन दिया उसमें अवैध वसूली को लेकर उनकी शिकायतें हैं और भुगतान में जो विलम्ब हो के संबंध में उन्होंने शिकायतें की। मैं उन्हें आश्वस्त किया कि हम पर्सनली जो कल बैठक लेंगे डिटेल उसमें समीक्षा करेंगे, इंचार्ज के साथ जो जो भी PMAY के इंचार्ज हैं टोटल कंसल्टेंट हैं उनके साथ बैठ कर पूरे विस्तृत चर्चा की जाएगी। जो भी भुगतान में विलम्ब हो रहा है उसे शीघ्र से शीघ्र जो है शॉर्ट आउट किया जाए। लगातार इंजीनियरों के द्वारा दबाव जल्दी बनाइए, इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं, आज भी उस शिकायतों को लेकर आपसे मिले। पहली बार हमारा संज्ञान है तो मैं पहले विस्तृत समीक्षा कर लूँगा, उसके बाद ही मैं समर्पित कर पाऊँगा क्या है। शुभ नाम बताइए। हम मोबिन अली डिप्टी कमिश्नर नगर निगम राज।